दोस्तों आपको पारस डिफेंस का आईपीओ तो याद होगा, जिसका प्राइस बैंड प्रति शेयर 165 से 175 रुपये था और लिस्टिंग 400 रुपये के आसपास हुआ था। लिस्टिंग होते ही अपर सर्किट लगते लगते शेयर 1200 के पार पहुंच गया था और निवेशकों का पैसा 10 से 15 गुना हो गया था। तो समझ लीजिए DCX सिस्टम का आईपीओ भी पारस जैसा ही परफॉर्म करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर लर्निंग यूट्यूब चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दिवाली के बाद अगर आप आईपीओ से कमाई करने का मौका तलाश रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दीपावली के बाद बेंगलुरु स्थित कंपनी DCX सिस्टम का आईपीओ 31 अक्टूबर को लॉन्च होगा। आईपीओ के शेयरों के लिए 1 नवंबर तक बोलियां लगाई जा सकती हैं। 500 करोड़ रुपए के इस इशू के लिए 400 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। आईपीओ की लिस्टिंग BSE और NSE पर होगी। DCX कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेसेस बनाने वाली भारत की लीडिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी के प्रमोटर्स NCBG होल्डिंग और BNG टेक्नोलॉजी ऑफर फॉर सेल में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। आईपीओ में 75% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है, 15% गैर संस्थागत निवेशकों के लिए और 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 197 से 207 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ में एक लॉट में 72 शेयर हैं, इसमें एक लॉट खरीदना ज़रूरी है। इस लिहाज से कम 14,904 रुपये का निवेश कम से कम आईपीओ में करना होगा। आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। साथ ही इशू से मिले पैसे का उपयोग सब्सिडरी रेनियल एडवांस सिस्टम में निवेश, कैपिटल एक्सपेंडिचर और जनरल कॉरपोरेट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। DCX सिस्टम कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेसेस बनाने वाली भारत की प्रमुख कंपनियों में से एक है। दिसंबर 2021 तक इजराइल, अमेरिका, कोरिया और भारत जैसे देशों में कंपनी के 26 कस्टमर थे। कंपनी के कस्टमर्स में से कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी शामिल हैं। इसके अलावा कई मल्टीनेशनल कंपनियां और स्टार्टअप कंपनियों की ग्राहक लिस्ट में शामिल हैं। कंपनी की आय 2019-20 में 449 करोड़ रुपए थी। 2020-21 में यह 56.64% बढ़कर 1,102 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का आर्डर बुक मार्च 2020 को 1,941 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2022 को बढ़कर 2,369 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस, एक्सिस कैपिटल और सेफ्रान कैपिटल आईपीओ की बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। DCX सिस्टम आईपीओ द्वारा पब्लिक इशू के लिए कुल 2,41,54,589 शेयरों की बोली लगानी जानी है, जिसमें फ्रेश इशू के लिए 1,93,23,671 और ऑफर फॉर सेल शेयरों के लिए 48,30,918 शेयर हैं। तो दोस्तों, DCX सिस्टम कंपनी के आईपीओ का संपूर्ण एनालिसिस के बाद मुझे पर्सनली लगता है कि इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए। अभी इस आईपीओ का GMP अप्रॉक्स 50 रुपये है। दोस्तों, इसी तरह के स्टॉक मार्केट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ट्रेडर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए कुछ नया और अपने प्रॉफिट को बढ़ाते रहिए।